मिस्टर गांगुली, अब आप इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं हो। जिस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने इंसल्ट करके टीम से निकाल दिया, वही खिलाड़ी आज बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया है। इसे कहते हैं वॉरियर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल टाइगर प्रिंस ऑफ कोलकाता महाराजा सौरव गांगुली की। आज के इस वीडियो में हम सौरव गांगुली के सफर को जानने की कोशिश करेंगे। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनके पिता चंडीदास गांगुली कोलकाता के सबसे अमीर इंसान थे। उनका फ्लोरिशिंग प्रिंट बिजनेस था। सौरव की माँ निरुपमा गांगुली हाउसवाइफ थी। सौरव ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल से की। बंगाल का फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल होने के कारण सौरव भी स्कूल के दिनों में फुटबॉल में रुचि लेने लगे, लेकिन उनकी माँ ये नहीं चाहती थी। सौरव, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी खेल को अपना करियर बनाओ। लेकिन माँ, भैया की तरह मुझे भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। सौरव के बड़े भाई स्नेहाशीष बंगाल क्रिकेट टीम से खेलते थे। स्नेहाशीष ने उनके पिता से सौरव के खेल के बारे में बात की। पापा, सौरव क्रिकेट खेलना चाहता है, मेरी तरह उसका भी आप क्रिकेट अकादमी में एडमिशन करा दो ना। अरे बाबा, उसे थोड़े दिन ऐसे क्रिकेट खेलने दो, अगर वो सीरियस रहा तो हम उसका किसी अकादमी में एडमिशन करवा देंगे। अपने भाई के कहने पर सौरव ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। भाई का किट संभाल कर यूज करने के लिए राइट हैंडेड होने के बाद भी सौरव लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने लगे। क्रिकेट में उनका सीरियसनेस देखने के बाद सौरव के पिता ने उनका दाखिला कोलकाता के एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया और घर में ही सौरव और स्नेहाशीष के लिए जिम और क्रिकेट ग्राउंड बनवा दिया। स्कूल और जूनियर टीम में सौरव का अच्छा खेल देखकर 1989 में उनका सिलेक्शन बंगाल की टीम में हुआ, लेकिन उनके भाई स्नेहाशीष को खराब फॉर्म की वजह से टीम से ड्रॉप किया गया। 1990 में सौरव गांगुली को रणजी खेलने का मौका मिला, जिसमें गांगुली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके कारण 1992 में गांगुली का सिलेक्शन इंडियन वनडे क्रिकेट टीम में हुआ। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले अपने पहले वनडे मैच में गांगुली ने सिर्फ 3 रन बनाए। उसी सीरीज के एक मैच में सौरव 12th मैन थे। ड्रिंक्स में जब सौरव को बोला गया कि सौरव ग्राउंड में पानी लेके जाओ, मैं ग्राउंड में पानी लेके नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलने आया हूँ, ग्राउंड में पानी ले जाना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। इस एटीट्यूड के कारण सिर्फ एक मैच खिलाने के बाद गांगुली को वनडे टीम से हटाया गया। 1993 से 1996 तक डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी और दिलीप ट्रॉफी में गांगुली ने जबरदस्त खेल दिखाया। 1996 में इंडियन टीम इंग्लैंड के टूर पर थी। पहली टेस्ट मैच के बाद नवजोत सिंह सिद्धू टेस्ट सीरीज अधूरी छोड़कर वापस इंडिया चले आए। पहले मेरी बात सुन लो गुरु, कैप्टन अजहर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इस सीरीज में ना खेलने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने सिद्धू की जगह गांगुली को इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले अपने पहले ही टेस्ट मैच में गांगुली ने शतक लगाया और इसके बाद लगातार दूसरी मैच में भी गांगुली ने शतक लगाया। इंग्लैंड से वापस आने के बाद सौरव अपनी बचपन की दोस्त और गर्लफ्रेंड डोना रॉय से मिले। डोना और सौरव की फैमिली एक दूसरे के दुश्मन थे। डोना ने सौरव से कहा, हमारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। डोना सुनो, हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। जिसके बाद सौरव गांगुली ने डोना रॉय के साथ चुपके से कोर्ट में शादी कर ली। फेब्रुआरी 1997 में दोनों फैमिलीज ने गिले शिकवे भुलाकर फिर से सौरव और डोना की शादी करा दी। इस साल श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए 113 रन्स बनाकर सौरव ने अपना पहला वनडे शतक बना लिया। सहारा कप में गांगुली ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते। अब गांगुली की टीम में जगह पक्की हो गई थी, लेकिन सन 2000 में मैच फिक्सिंग का काला सच सामने आने से भारतीय क्रिकेट में उथल पुथल मच गई, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी। सचिन के बाद दादा को कप्तान बनाया गया। सौरव वो पहले कप्तान थे जिन्होंने अपनी कप्तानी में इंडियन टीम को बेहद मजबूत बनाया। 2002 की नेटवेस्ट सीरीज की फाइनल में जीत के बाद गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में उतारा शर्ट और गांगुली की कप्तानी में फॉलो ऑन मिलने के बाद भी लगातार 16 टेस्ट जीतने वाली स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियन टीम को हराना
कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी भूल नहीं सकता। 2003 के वर्ल्ड कप में गांगुली ने सचिन, द्रविड़ और बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर 1983 के बाद भारत को पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया, लेकिन फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2005 में गांगुली के सपोर्ट से ग्रेग चैपल को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही गांगुली और चैपल के बीच मतभेद सामने आए। चैपल ने BCCI को लिखे मेल में कहा, गांगुली फिजिकली और मेंटली इंडियन टीम को लीड करने के लिए अनफिट है, वो टीम में डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। BCCI ने दोनों को मिलजुल कर काम करने के लिए कहा, लेकिन 2006 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में गांगुली का खराब फॉर्म, चैपल के साथ विवाद और टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का गांगुली को विरोध, इन सब रीजंस की वजह से गांगुली को टीम से हटाया गया और राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया। आपने गांगुली का एड तो देखा होगा, हाय मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं। लंबे वक्त क्रिकेट से दूर रहने के बाद 2007 के वर्ल्ड कप में गांगुली का सिलेक्शन हुआ। गांगुली ने अच्छा खेल दिखाया पर भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। दिसंबर 2007 में गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया। 2008 IPL के पहले सीजन में सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन बने। 2008 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अनफॉर्चुनेटली गांगुली अपनी आखिरी इनिंग में 0 पे आउट हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी गांगुली कुछ समय तक बंगाल के लिए क्रिकेट खेलते रहे। गांगुली ने एक दिवसीय मैचों में 11,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। ये भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 49 में से 21 मैचों में सफलता दिलाई है। एक उग्र कप्तान के रूप में मशहूर गांगुली ने कई नए खिलाड़ियों को अपनी कप्तानी के समय खेलने का अवसर प्रदान किया। 2004 में गांगुली को पद्मश्री, इस भारत के चौथे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फरवरी 2013 में लंबे बीमारी से चलते सौरव के पिता का देहांत हो गया। 2015 में गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया और अक्टूबर 2019 में सौरव गांगुली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI के प्रेसिडेंट बने। दोस्तों ये थी सौरव गांगुली की कहानी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही बायोग्राफीज, बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए।